सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, फाइनली डंकी मूवी का ऑफिशियल टीजर आ चुका है, जिसको मेकर्स ने नाम दिया है ड्रॉप वन। जी हाँ भाई साहब, एंड यहाँ पर हम बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए। गाइज, हमको क्या लग रहा था कि 58 सेकंड की जो ड्यूरेशन वाला टीजर है भाई साहब, वो आएगा, लेकिन मेकर्स ने 1 मिनट 49 सेकंड वाला टीजर लॉन्च किया है। यहीं पर मेकर्स ने हमें सरप्राइज दे दिया। एंड आज की वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। एसआरके के भाई साहब बर्थडे के दिन ये आज रिलीज किया गया है। सबसे पहले तो भाई साहब हमारी तरफ से एसआरके को भाई साहब वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। और गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं डंकी मूवी के फर्स्ट मटेरियल, फर्स्ट भाई साहब ड्रॉप वन, फर्स्ट टीजर का रिव्यू। तो गाइस, टीजर की शुरुआत होती है एक गाने के साथ। भाई साहब वो गाना ही सबसे ज्यादा मुझे पसंद आ गया टीजर में। मतलब कि यहाँ पर गाइस सोनू निगम की आई थिंक सो उसमें आवाज है। हाँ, सोनू निगम की ही है। और भाई साहब क्या गाना था, उसके जो दो लिरिक्स भाई साहब, दो जो वर्ड्स उन्होंने उस गाने में बोले भाई साहब, आउटस्टैंडिंग। क्या इमोशनल सॉन्ग था, कितना डीप सॉन्ग लग रहा है गाइस ये, एंड इमोशनल सीन है बिल्कुल। एंड यहाँ पर भाई साहब ये मूवी काफी ही ज्यादा इमोशनल भी होने वाली है। मतलब एक स्टेटमेंट पहले भी आया था गाइस की डंकी मूवी जब आप देखोगे ना, मतलब किसी ने दिया था, तो यहाँ पर बोला गया था कि जब आप डंकी मूवी देखोगे तो भाई साहब जब लास्ट में आओगे आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे भाई साहब, आप मतलब कि रोने लग जाओगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की मूवी होने वाली है। एंड ये सॉन्ग भाई साहब काफी ज्यादा इमोशनल है। सोचो एक इमोशनल सीन पर भाई साहब ये सॉन्ग लगेगा, भाई साहब क्या मतलब माहौल होगा वो वहां पर बता ही बिल्कुल हम नहीं सकते। तो स्टार्टिंग जो होती है वो एक इमोशनल सीन आप मान सकते हो। कहीं पर मतलब एसआर के जा रहे होते हैं इनलीगल तरीके से, आपको पता ही है कि जाएंगे वो मतलब ओवरसीज में किसी कंट्री में, लंदन वगैरह जाने वाले हैं, इस टीजर को देखने के बाद पता चलता है। और फिर आता है गाइस कॉमेडी सीन। एंड यहाँ पर भाई साहब राजकुमार हिरानी की मूवी हो और उसमें कॉमेडी ना हो, ऐसा भाई साहब हो सकता है क्या? तो यहाँ पर कॉमेडी भरपूर होने वाली है मूवी में। कॉमेडी भाई साहब टीजर में भी थी, काफी ज्यादा अलग ही लेवल की कॉमेडी मिलने वाली हमें इस मूवी में भी। तो यहाँ पर कॉमेडी काफी ज्यादा शानदार है, मतलब कि क्लास मूवी में भाई साहब कॉमेडी इमोशन ये होना बहुत जरूरी है। एंड डंकी मूवी में भाई साहब वही है। यहाँ पर स्टोरी मतलब भरपूर भाई साहब इसमें कंटेंट भरा हुआ है इस मूवी की स्टोरी में, ये टीजर को देखने के बाद पता चलता है। एंड यहाँ पर लास्ट में मतलब कि कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन मेकर्स कराते हैं, यहाँ पर मतलब सभी के नाम बताते हैं कि मूवी में क्या नाम होने वाला है, शाहरुख खान का क्या होने वाला है, विक्की कौशल का क्या होने वाला है, तापसी पन्नू का क्या होने वाला है। तो सभी के मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि ये इंट्रोडक्शन कराया है मेकर्स ने। और असली धमाका और असली कंटेंट तो भाई साहब मेकर्स ने रख लिया है छुपाकर। जी हाँ भाई साहब, मतलब कि जो 58 सेकंड वाला टीजर है ना भाई साहब, उसको अपन ड्रॉप टू भी कह सकते हैं। यहाँ पर मेकर्स ने इसको ड्रॉप वन नाम दिया है। तो भाई साहब उसमें हमें असली खेल देखने को मिलेगा। यहाँ पर मतलब कि ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पर तो ये मान सकते हो कि कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मेकर्स ने कराया है, लेकिन भाई साहब उसका जो ड्रॉप टू आएगा वो काफी ज्यादा आप खतरनाक होने वाला, क्योंकि मेकर्स ने इसमें भी बता दिया, जो टीजर मेकर्स ने अभी रिलीज किया है उसमें बता दिया है कि ड्रॉप टू भी रिलीज होने वाला है काफी जल्दी। मतलब कि हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ट्रेलर वगैरह आएंगे। तो यहाँ पर भाई साहब उसके लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अगर टीजर का हम इसके ड्रॉप वन का हम एक वर्ड में अगर इसका रिव्यू करें तो गाइज आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर भाई साहब राजकुमार हिरानी एक मास्टरपीस मूवी वापिस लेकर आ रहे हैं। मतलब कि शाहरुख खान के करियर की मुझे लगता है सबसे बेस्ट मूवी ये हो सकती है। एंड यहाँ पर राजकुमार हिरानी के करियर की भाई साहब ये बेस्ट मूवी होने वाली है। एंड सोचो भाई साहब पहली बार आ रहे हैं राजकुमार हिरानी एंड एसआरके, क्या धमाका करेंगे वो, क्या तबाही लेकर आएंगे बॉक्स ऑफिस पर, कोई सोच भी नहीं सकता। तो गाइज बहुत ज्यादा बेटर मुझे लगा है ये टीजर, क्योंकि यहाँ पर क्लासिक मूवी में हमें जो चाहिए वो इस टीजर में देखने को मिला है। भाई साहब स्टोरी बेस्ट होनी चाहिए मूवी की, वो तो है ही सही भाई साहब, लगता है ये टीजर को देखने के बाद एंड पहले से ही उम्मीदें है। एंड यहाँ पर उसमें होना चाहिए भाई साहब कॉमेडी एंड इमोशन, भाई साहब ये सब कुछ इस टीजर में है एंड ये सब कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो श्योर श्योर भाई साहब ये मूवी चलने वाली है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर यहाँ पर का टैग इसको मिलने वाला है। तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है गाइज इसका टीजर। वैसे आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताना। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।